आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नैके के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। डीजल, पेट्रोल व घरेलू सिलेंडर के दामों में तेजी को लेकर कांग्रेसियों का अद्भुत विरोध प्रदर्शन। कोविड 19 टीकाकरण के दूसरे चरण में वैक्सीनेशन को लेकर पुलिस कर्मियों में दिखा उत्साह। पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस के बढ़ते दाम को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। सिंचाई विभाग के राज्य कर्मचारियों ने महंगाई एवं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर की बैठक। किसानों के रेल रोको अभियान के मद्देनजर जिला प्रशासन सतर्क, रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गश्त। बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्थित कोविड वार्ड कर्मचारियों का विभिन्न मांगों को लेकर तीसरे दिन भी जारी रहा धरना प्रदर्शन। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की 86वीं जयंती। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर के चेतना तिराहे पर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए नारे लगाते हुए टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा तक मार्च करने निकले थे, लेकिन चेतना तिराहे पर पहले से मुश्तैद सिटी मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला ने काफिले को रोक लिया। नाराज कार्यकर्ता वहीं सड़क पर धरना करने लगे और नारेबाजी भी करने लगे। इस दौरान उनके हाथों में पोस्टर पर लिखा स्लोगन मोदी हैं तो महंगाई है और पेट्रोल पहुंचा 100 के पार तो क्या कर रही है सरकार, बरबस ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता रहा। मीडिया से बात करते हुए अभिजीत पाठक ने बताया कि जो हमारे देश से पेट्रोल खरीदते हैं वो 55 रुपए बेच रहे हैं और हम शतक पार कर रहे हैं, ऐसा क्यों? आपको बताऊं तो बड़ी शर्म की बात है कि जो श्रीलंका हमसे तेल खरीदता है वो 57 रुपए अपने देश में तेल बेचता है और हमारे देश में तेल की कीमत 100 के पार होती जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता बाइक और सिलेंडर लेकर प्रदर्शन के लिए जा रहे थे। किसी भी तरह के प्रदर्शन की प्रशासन की तरफ से कोई परमिशन नहीं दी गई थी, इसलिए इन लोगों को यहां पर रोक दिया गया। इनसे भी वार्ता की जा रही है क्योंकि इनके द्वारा प्रदर्शन के लिए जिला प्रशासन को नहीं दी गई, इसीलिए अभी इनसे वार्ता की जा रही है और इनका कोई ज्ञापन दे दिया जाएगा, फिर भी अगर इनके अगर ये नहीं मान लीजिए कार्रवाई की जाएगी। भाई साहब, बाकी का खाली बने हम लोग को असंतुष्ट हर कोई है। गोरखपुर जनपद में वैश्विक महामारी कोविड 19 के टीकाकरण का दूसरा चरण चल रहा है, जिसको लेकर जनपद के कई केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य बहुत ही तेजी से किया जा रहा है। आज उसी क्रम में जनपद नगर निगम स्थित सभागार में पुलिस कर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। वैक्सीनेशन को लेकर पुलिसकर्मी काफी उत्साहित दिखे और बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन के लिए टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे। वैक्सीनेशन कराने के बाद अमेजनाओं से बात करते हुए पुलिसकर्मी नित्यानंद पांडे ने अपील की कि लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आगे आना चाहिए। ये नगर निगम परिसर में आज वैक्सीन हम लोगों ने लगवाई है, ये काफ़ी जो है अच्छा हम लोग महसूस कर रहे हैं और सभी लोगों से अपील भी है जो भी हैं कि आके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ अपना वैक्सीनेशन कराएँ। देश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर विपक्षी पार्टियां हमेशा अपने अपने तरीकों से केंद्र सरकार पर हमलावर रही हैं, जिसकी वजह से आए दिन विरोध प्रदर्शन होता रहता है। आज इसी क्रम में लगातार पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष आफताब अहमद के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर जनपद के शाहपुर में जमकर विरोध प्रदर्शन कर रसोई गैस सिलेंडर और अपने वाहनों पर माला चढ़ाकर अपना रोष व्यक्त किया। अखिलेश या तो जिंदाबाद, 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 योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष आफताब अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका यह विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार बढ़े हुए दामों को वापस नहीं लेती। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ महंगाई के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बढ़ी हुई पेट्रोल और डीजल और घरेलू गैस के खिलाफ
आज हम लोगों ने विशाल धरना और प्रदर्शन करने का काम किया गया। सिंचाई विभाग से जुड़े राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कर्मचारियों ने गोरखपुर के सिंचाई विभाग डाक बंगले पर कुछ मांगों को लेकर आज बैठक की, जिसमें महंगाई भत्ता, पेंशन जैसे कई मुद्दों पर बातचीत की गई। बैठक की अध्यक्षता रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने करते हुए कहा कि राज्य कर्मचारियों के कई भत्ते सरकार द्वारा समाप्त कर दिए गए। जनवरी 2020 से 4% महंगाई भत्ता न देने से कर्मचारियों को वेतन एवं पेंशन में भारी नुकसान हो रहा है, जिससे कर्मचारियों में काफी आक्रोश व्याप्त है। 2020 से 2021 तक का कुल महंगाई भत्ता एरियर सहित दिया जाए। परिषद के शीर्ष नेताओं ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि कर्मचारियों के पूर्व में बनी सहमति मांगों सहित निलंबित भत्ता और नई पेंशन योजना रद्द कर कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कराई जाए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे कर्मचारी नेता रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आंदोलन के शंखनाद का निर्णय लेंगे। ध्यान आकर्षण करते हुए अनुरोध करता हूं कि हमारे कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याएं, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली एवं डीए का प्रभाव से लागू करें। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने देश भर में रेल रोकने का ऐलान किया था। आज गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने चौकसी बरतते हुए रेलवे स्टेशन पर गश्त किया। मीडिया से बात करते हुए एडीजी गोरखपुर जोन अखिल कुमार ने बताया कि किसानों के रेल रोको अभियान को असफल बनाने के लिए सभी स्टेशनों पर सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कि आज रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है किसान संगठनों द्वारा, हम लोगों ने सभी जिलों को अलर्ट कर रखा है, उनसे अनुरोध लगातार कर रहे हैं जनता को असुविधा ना करें। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन डेमोक्रेसी में सभी का राइट है और वो भी कर सकते हैं, पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट करें, बट एट द सेम टाइम रेल रोकने से कोई लाभ नहीं होता, लाखों जनता इससे प्रभावित होती है और उनका कॉज जो है उनके हित में नहीं है। वो अपनी बातें रखें, डेमोक्रेटिकली सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष रखें और शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रोटेस्ट करें। गोरखपुर जनपद के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय सहित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र और पिछले 5 महीनों से वेतन न मिलने से क्षुब्ध स्वास्थ्य कर्मचारियों ने स्टाफ नर्स अमृता यादव के नेतृत्व में अपने विभिन्न मांगों को लेकर आज तीसरे दिन भी प्रदर्शन किया। आंदोलनरत स्वास्थ्य कर्मचारियों का आरोप है कि स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सफाई कर्मी, वार्ड आया, पैरामेडिकल स्टाफ के लगभग 500 कर्मचारियों को जो कोविड-19 के दौरान सेवा दे रहे थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। स्टाफ नर्स अमृता यादव ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका प्रदर्शन अनवरत चलता रहेगा। हमारी मांग है कि हमारे जो रुकी हुई सैलरी है वो रिलीज कराई जाए। दूसरी बात कि जो अपॉइंटमेंट लेटर था, ज्वाइनिंग लेटर, वो हमें अभी तक नहीं मिला है। 6 महीने से हम लोग जॉब कर रहे हैं, 6 महीने से अभी तक सैलरी नहीं मिली थी, 6 महीने से हम लोगों का कोई सबूत नहीं है कि हम लोग यहाँ पे नौकरी किए हैं। ये 2 चीज़ दी जाए और हमें यहाँ पे स्थायी किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की 86वीं जयंती जीडी टावर चौराहे के पास स्थित स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर बड़े ही हर्षोल्लास साथ मनाया गया। इस मौके पर उनके पुत्र जितेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के कार्यों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। रामगढ़ताल परियोजना से लेकर गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया उनका योगदान हमेशा याद किया जाता रहेगा। ये आज उनके 86वीं जन्मदिन का पर्व है। हम सब लोग प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार से उनके पर्व को मनाते हैं। आज भी हम लोग यहाँ इकट्ठित हुए हैं और उनके किए हुए कार्यों को हम लोग याद करते हैं और ये भी हम दिखाते हैं। हमें इस पर्व पर हम इकट्ठा होकर उनके किए हुए कार्यों को, जिस प्रकार से उन्होंने पूर्वांचल में अपना योगदान दिया, खासकर गोरखपुर के चप्पे पर दिखता है उनका, रामगढ़ताल परियोजना, उत्तर प्रदेश और गोरखपुर के इंडस्ट्रियल एरिया जो उन्होंने विकसित किया था, किस प्रकार से उन्होंने यहाँ के उद्यानों का विकास किया था, ये गोरखपुर के चप्पे चप्पे पर दिखता है।
जहां एक तरफ पूरे प्रदेश में अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है, वहीं गोरखपुर जनपद में भू माफिया एक बार फिर तेजी से अपना पांव पसार रहे हैं, जिनको न तो सरकार का डर है और न ही पुलिस का। ऐसा ही ताजा मामला गोरखपुर के महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 3 के झरना टोला में देखने को मिला, जहां एक भू माफिया 3 महिलाओं के जमीन पर अवैध कब्जा करने की धमकी दे रहा है। न्याय की आस में ये पीड़ित महिलाएं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर कुमार के समक्ष अपनी पीड़ा को बयां किया। अमेज नाउ से बात करते हुए आशा देवी ने बताया कि उन्हीं के मोहल्ले का रहने वाला रामनाथ निषाद उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहता है। हमने 4 साल पहले रजिस्ट्री करवा दी थी जमीन का, और उस समय रामनाथ निषाद सीटर कुछ नहीं बोले और इस समय उस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। वहीं विशाखा देवी का कहना है कि जमीन रजिस्ट्री के समय कोई नहीं आया, आज बनवाने से रोका जा रहा है। जमीन का हम लोग तीनों लोग एक ही जगह जमीन लिए हैं और 3 साल पहले हम लोग रजिस्ट्री करवा लिए, तब उस टाइम वो कोई आपत्ति नहीं किए, आज जब बनवाने गए हैं सामान गिरवा लिए हैं तो मना कर रहे हैं कि जमीन हमारे रामनाथ हिस्ट्री सीटर है। सत्य घटना के आज के इस अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस अंक में बस इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ, गंगा यमुना राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।